और इसी के साथ इस वक्त की एक बड़ी खबर आती है, आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केजरीवाल को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत से जुड़ा फैसला है, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आते हुए आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आते हुए जहां सीएम केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि कल ही ईडी ने हलफनामा दायर कर कहा था कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल को राहत मिली है, जहां पर अब वो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर कि जहां सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आते हुए दिल्ली से, और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत गांधी सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है 1 जून तक, तो ऐसे में क्या वो चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा ले पाएंगे? जी आकांक्षा, आपको बता दें चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, वहीं ईडी ने ना सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का भी प्रयास किया, लेकिन अब केजरीवाल बाहर आकर प्रचार में जुटेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि ईडी ने हलफनामा दायर कर कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया और अब वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे, जहां लगातार सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी सीएम की जमानत को लेकर राह देख रही थी। ऐसे में आज उनके लिए राहत की खबर सामने आई।